इस वीडियो में हम बताएंगे कि पीपल के उपयोग मानव जीवन में किस तरह से फायदेमंद है। पीपल के पेड़ को सनातन धर्म में बड़ा सम्मान दिया गया है। यह अपनी घनी छाव और ताज़ा प्राणवायु के लिए जाना जाता है। इस पेड़ को सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसी कारण पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। पीपल का पेड़ हमें हमेशा प्राणवायु ऑक्सीजन देता रहता है। पीपल किस तरह से फायदेमंद है। जिस भी स्थान पर पीपल का पेड़ होता है वहाँ ठंडी शुद्ध हवा चलती रहती है। पीपल का उपयोग औषधि के रूप में अनेक प्रकार से किया जाता है। इसकी छाल, पत्ते, फल सभी किसी न किसी रोग को दूर करने के काम आते हैं। इसके फल से पेट की बीमारियों का इलाज किया जाता है और इसकी छाल भी दमा की औषधि बनाने के काम आती है। यदि पीपल से दातुन किया जाए तो दांतों से सारे रोगों को मिटाया जा सकता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमारे जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के पेड़ को अपना ही स्वरूप बताया है। यदि किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है तो उसके लिए पीपल का पेड़ एक वरदान होता है। पीपल के पत्तों का रस पीने से त्वचा के रोगों को दूर किया जा सकता है। इसके पत्तों का काढ़ा भी पिया जा सकता है। पीपल के पत्ते का लेप घाव में लगाने से बड़ा आराम मिलता है। पीपल के फलों को पीसकर बनाए गए चूर्ण को शहद के साथ सेवन करने से हकलाने वाली प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। पीपल के पत्ते का उपयोग पेट की समस्या, जयन से गैस कब्ज को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो दिन व रात दोनों स्थिति में भी हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। आपने देखा होगा कि दूसरे पेड़ों की पत्तियां पतझड़ के समय झड़ जाती है, लेकिन पीपल का पेड़ सदैव हरा भरा रहता है।